Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, Mass Spectrometry. हमने Mass Spectrometry में इसका इंट्रोडक्शन बेसिक प्रिंसिपल instrumentation, इसकी वर्किंग और इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में sample इंट्रोडक्शन methods पढ़ लिए थे कि हम sample कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आज हम देखेंगे मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री में जो हम सैम्पल आयोनाइज करते हैं आपको पता है कि आयोनाइजेशन सैम्पल की आयोनाइजेशन करके हम पॉजिटिव आइन्स बनाते हैं और वो पॉजिटिव आइन्स फिर सेपरेट होते हैं यानी जो हमारे पास सेकंड चैम्बर था मैथ स्पेक्ट्रोमीटर का वो आयोनाइजेशन चैम्बर था आज हम देखेंगे कि हम आयोनाइजेशन के लिए कौन कौन से टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं आयोनाइजेशन टेक्निक्स आयोनाइजेशन टेक्निक्स में आ, सबसे पहले देख लेते हैं मैस स्पेक्ट्रम को देखिए मैस स्पेक्ट्रम ये आउटपुट है मैस स्पेक्ट्रोमीटर का जिसमें हमारे पास है जो मैस स्पेक्ट्रम आता है उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि उसमें पीक्स कितनी आती है मैस स्पेक्ट्रम में और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि उन पीक्स की इंटेंसिटी कितनी है हाइट कितनी है जितनी पीक्स ज्यादा आएंगी इसका मतलब है नंबर ऑफ पीक्स ज्यादा आने का मतलब है कि फ्रेगमेंटेशन ज्यादा हुई है और फिर पीक की इंटेंसिटी ज्यादा होने से मुराद है उसकी हाइट ज्यादा होने से मुराद है उस फ्रेगमेंट की उस आइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है अब मैस स्पेक्ट्रम में कितनी पीक्स बनेगी नंबर ऑफ पीक्स कितनी होंगी और फिर उन पीक्स की इंटेंसिटी क्या होगी ये दोनों बातें जो हैं ये डिपेंड करती हैं कि आपने आयोनाइजेशन टेक्निक्स कौन से यूज किए पीक्स कितनी बनेगी पीक की इंटेंसिटी क्या होगी फ्रेगमेंट की स्टेबिलिटीज क्या होगी रिलेटिव अबंडेंस क्या होगी ये चीजें जो हैं ये बेस करती हैं आयोनाइजेशन मेथड पे अब आयोनाइजेशन मेथड कौन से यूज होते हैं दो तरह की हैं मेन आयोनाइजेशन टेक्निक्स एक है हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक्स और दूसरी है सॉफ्ट आयोनाइजेशन हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक में हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया था 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे और सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक में हम लो एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे यानी लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब है हम सिर्फ आयोनाइजेशन करवाना चाहते हैं हमारा हमारा मकसद सिर्फ मॉलिकुलर मैस निकालना है स्ट्रक्चर की तरफ फ्रेगमेंटेशन की तरफ नहीं जाना हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम यूज करेंगे तो ग्रेटर फ्रेगमेंटेशन होगी बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेशन होगी मॉलिक्यूल के फ्रेगमेंट बनेंगे जबकि सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक्स में बहुत कम फ्रेगमेंटेशन होती है बाद दफा तो सिर्फ मॉलिकुलर आइन पीक आती है तो ये दो तरह की टेक्निक्स हम यूज करते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन कैसे करते हैं कौन सी सॉफ्ट टेक्निक्स हैं कौन सी हार्ड टेक्निक्स हैं? तीन तरह की टेक्निक्स हैं तीन तरह की आयोनाइजेशन है एक है गैस फेज आयोनाइजेशन यानी हम उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं सैंपल को रॉयोनाइज करवा लेते हैं दूसरी है डिजॉपन और फिर तीसरी है में सैंपल को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मिक्स किया जाता है और फिर वहां से अवेपोरेट करवाया जाता है वहां से फिर उसको रिमूव करवाया जाता है और अवेपोरेटिव में हम सॉल्वेंट को अवेपोरेट कर देते हैं तो इसमें गैस फेस में इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन है और दूसरी है केमिकल आयोनाइजेशन इसमें इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन ये हार्ड टेक्निक है इसमें फ्रेगमेंटेशन होती है बाकी जितने भी अभी हम टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं वो सारी सॉफ्ट हैं जैसे डिजॉर्पन में फील्ड डिजॉर्पन है फास्ट एटम बंबार्डमेंट है और मालदी मालदी है मैट्रिक्स असिस्ट लेजर डिजॉर्बन आयोनाइजेशन यानी मैट्रिक्स पे हम हमारा एनालाइट जो है उसको असिस्ट कर देंगे और फिर लेजर से डिजॉर्ब करवाएंगे उसको डिजॉर्बन करवाएंगे डिजॉर्बन आयोनाइजेशन ये तीनों भी डिजॉर्बन वाली सारी सॉफ्ट हैं एवेपोरेटर में पहले सॉल्वेंट को वेपोरेट करते हैं थर्मोसप्रे या इलेक्ट्रोसप्रे से या फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयोनाइजेशन कर लेते हैं और फाइनली या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोटो आयोनाइजेशन कर लेते हैं ये कुल मिला के दो गैस स्पेस वाली हैं, तीन डिजॉर्बन की और चार है अवेपोरेटिव की यानी टोटल नौ टेक्निक्स हैं ये आयोनाइजेशन इन इनमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन हार्ड है बाकी सारी सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक्स। है अब हम इन टेक्निक्स को वन बाय वन देख लेते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इसके बाद हम हर लेक्चर में डिटेल से हर आयोनाइजेशन मेथड और उसका प्रिंसिपल उसके मेरिट्स डी मेरिट्स विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में शॉर्ट सा ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन है हर आयोनाइजेशन मेथड का सबसे पहले गैस आयोनाइजेशन गैस फेज आयोनाइजेशन दिस इज द ओलडेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मैथड यानी सबसे ज्यादा यही मैथड यूज होता है कि हम सैंपल को पहले गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं पहले उसको कन्वर्ट करते हैं दो तरह की है एक है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन जिसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं टू आयोनाइज दी सैंपल सैंपल इज आयोनाइज यूजिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हार्ड टेक्निक है केमिकल आयोनाइेशन ये सॉफ्ट टेक्निक है इसमें हम क्या करते हैं पहले कैरियर गैस को आयोनाइज करवाते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैरियर गैस फिर सेकेंडरी आइन्स बनाती है और फिर सेकेंडरी सेकेंडरी आइन्स से हम अपना सैंपल आयोनाइज करवाते हैं यानी डायरेक्ट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करते हम सैंपल पर पहले कैरियर गैस लेते हैं उसको बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयोनाइज करवाते हैं फिर उससे सेकेंडरी आइन बनते हैं सेकेंडरी आइन जो है ये फिर हमारे सैंपल को आयोनाइज करवाते हैं ये एक सॉफ्ट टेक्निक है सैंपल डायरेक्ट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्ट में नहीं आया गैस फेस के बाद है डिजॉर्बन टेक्निक्स इसमें लिक्विड या सॉलिड को डायरेक्ट गैसियस आइन में बदला जाता है लिक्विड और सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं गैशियस आइंस में पहला है फील्ड इसमें क्या करते हैं इसमें सैंपल को एक प्लेस करते हैं अमीटर पे एज अ इन सैंपल की एक थिन सी फिल्म जो है उसको अमीटर के ऊपर प्लेस कर देते हैं और फिर अमीटर को देते हैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलता है वो जो अमीटर है वो हीट अप हो जाता है उसके हीट अप होने से सैंपल भी हीट अप हो जाता है और फिर वो मेटल केटाइन से जो है आयोनाइज हो जाता है सैंपल अल्कली मेटल के यूजली केटाइन यूज करते हैं तो आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस बाय मेटल केटाइन अमीटर तो पहले सैंपल की एक थिन लेयर अमीटर के ऊपर लगाएंगे अमीटर को आ, हाई वोल्टेज देंगे हाई करंट देंगे वो हीटअप हो जाएगा हीटअप होने से सैंपल भी हीटअप हो जाएगा सैंपल हीटअप होगा तो वहां पर आयोनाइजेशन हो जाएगी बाय मेटल के टाइम अमीटर इसके बाद फील्ड फील्डॉप्शन के बाद है फास्ट एटम बम्बार्डमेंट इसमें हम बीम ऑफ एटम यूज करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय तो सबसे पहले जो सैंपल होता है जो एनालाइट होता है उसको मैट्रिक्स के साथ मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद हाई एनर्जी बीम ऑफ एटम एटम की एक बीम यूज करते हैं जो मैट्रिक्स को स्ट्राइक करती है रिजल्ट क्या निकलता है वहां से आयोनाइजेशन हो जाती है तो इस तरह हम बीम ऑफ एटम यूज करते हैं हाई एनर्जी बीम ऑफ एटम यूज करते हैं जो कि सैंपल को आयोनाइज करवा देती है फास्ट एटम बंबार्टमेंट में ये भी सॉफ्ट टेक्निक है जस्ट लाइक फील्ड डिजॉर्बेशन एंड केमिकल आयोनाइजेशन डिजॉर्बेशन आयोनाइजेशन में तीसरी है मालदी मालदी है मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिजॉर्बेशन आयोनाइजेशन टेक्निक इसमें भी हम सैंपल को पोलर मैट्रिक्स के साथ मिक्स करते हैं और फिर एक मेटल प्लेट पर उसको अप्लाई कर देते हैं यानी पहले सैंपल को हमने मैट्रिक्स के साथ मिक्स करना है और उसके बाद उसकी थिन फिल्म मेटल प्लेट के ऊपर अप्लाई कर देनी है उसके बाद इसके नाम से पता चल जाता है मैट्रिक्स असिस्टेड अब हमने मैट्रिक्स जो है उसके साथ सैंपल को मिक्स करके और मेटल प्लेट के ऊपर उसकी फिल्म एक थिन फिल्म अप्लाई कर दी है लेजर डिसॉर्प्शन अब हम उसको लेजर से इर्रेडिएट करेंगे फास्ट एटम बमबार्डमेंट में हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज की है जबकि फील्ड इस ऑप्शन में हमने हाई वोल्टेज यूज की थी अमीटर पर यहां पर हम पल्स पल्स लेजर का मतलब होता है हाई एनर्जी बीम ऑफ रेडिएशन यूज करेंगे फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन तो रेडिएट करेगी मैट्रिक्स को और फिर प्रोटोनेशन या डी प्रोटोनेशन से आयोनाइजेशन हो जाएगी यानी या तो वो प्रोटोन ले लेगा ले सैंपल या डी प्रोटोनेट हो जाएगा तो इस तरह आयोनाइजेशन सैंपल आयोनाइज हो जाएगा मालदी में नेक्स्ट है हमारे पास अवैपोरेटिव आयोनाइजेशन जिसमें सैंपल को सॉल्वेंट को अवैपोरा सैंपल जो है उसको वेपोराइज कर दिया जाता है अवैपोरेट कर दिया जाता है सॉल्वेंट को यहां पर थर्मोस्प्रे पहला पहली टेक्निक है जिसमें हमने सॉल्वेंट को वेपोरेट करना है इसमें सैंपल जो है उसको पास करवाते हैं बड़ी एक थिन हीटेड कॉलम से टू फॉर्म फाइन ड्रॉपलेट्स एक बहुत ही फाइन कॉलम होता है बहुत थिन कॉलम होता है जो कि हीटेड होता है उसमें से सैंपल पास करवाते हैं तो उसके फाइन ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। थर्मो स्प्रे में थर्मो हमें हीट से पता चल गया था और फिर ड्रॉपलेट्स का उसमें से स्प्रे करेंगे उस फाइन कॉलम में से जो बड़ा ही एक फाइन किस्म का कॉलम है जिस बहुत थिन है इसमें ये हीटेड कॉलम है सैंपल सैंपल आ रहा है इधर से और फिर यहां पर उसके फाइन ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं के फाइन ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे इसके बाद इनको लो इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड पर आयोनाइज कर लिया जाता है यानी करंट से आयोनाइजेशन करनी है लो करंट जो है हमारे पास डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड से हमने आयोनाइजेशन करनी है जब आइन्स बन जाएंगे तो रिपेलर उनको रिपेल करेगा पॉजिटिव आइंस को और एक्सलरेशन रीजन में से पास करवा के स्पेक्ट्रोमीटर में भेज देगा यानी हीटेड कॉलम में से पास कराया फाइन स्प्रे बन गया स्प्रे को इलेक्ट्रिक करंट से आयोनाइज करवाया और उसके बाद रिपेलर उसको एक्सलरेशन रीजन में से पास करवाते हुए ये उसको भेज देगा मै स्पेक्ट्रोमीटर में ये भी सॉफ्ट टेक्निक है सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक मैं फिर बता दूं स्वाय इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन के सारी टेक्निक्स जो हैं वो सॉफ्ट है नेक्स्ट एपोरेटिव टेक्निक है इलेक्ट्रॉन स्प्रे इलेक्ट्रोसप्रे टेक्निक इससे भी पता चलता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट यूज करेंगे तो इसमें हाई वोल्टेज यूज होती है स्प्रे और ये लिक्विड हैविंग एनालाइट को एरोसोल में बदल देती है यानी हम क्या करते हैं हम अपना सैंपल जो है एनालाइट जो है उसको लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं लिक्विड के साथ मिक्स करने के बाद हम देते हैं उसको हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज से एरोसोल बन जाते हैं एरोसोल ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं अब हम अपना सॉल्वेंट यहां से अवैपोरेट करवा देते हैं लिक्विड यानी दो चीजें हैं लिक्विड है liquid है प्लस एनालाइट उसके बन गए एरोसोल्स हाई करंट से अब वहां एरोसोल्स में से हमने क्या किया एरोसोल्स में से हमने सॉल्वेंट को करवा दिया एवेपोरेट सॉल्वेंट उड़ गया रिजल्ट क्या निकलेगा जो एरोसोल्स हैं वहां पर चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और वो चार्ज की जो इंटेंसिटी है उनको आयोनाइज करवा देगी वन आर मोर या फ्लू लेरिटी ऑफ आइंस जो है यानी ज्यादा सारे आइंस बन जाएंगे वन आर मोर आइंस तो इस तरह से यहां पर भी इलेक्ट्रिक करंट ही हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट टेक्निक है ए एटमॉस्फ़ेरिक प्रेशर केमिकल आयोनाइजेशन इसमें क्या करते हैं ये एचपीएलसी के, के साथ अटैच होता है जो एचपीएलसी से सोल्यूशन आ रहा है जो लिक्विड आ रहे हैं उनको करते हैं HPLC से आने वाला सोलूशन अवैपोरेट करते हैं और फिर उसको पॉजिटिव या नेगेटिव आयोनाइेशन मोड में आयोनाइज करवा देते हैं पॉजिटिव आयोनाइजेशन मोड क्या होगा पॉजिटिव आयोनाइजेशन मोड में प्रोटोन ट्रांसफर होता है या प्रोटोन एड हो जाता है यानी जब प्रोटोन एड होगा ये हमारे पास कोई भी सैंपल था जो सैंपल था एम उसमें प्रोटोन ऐड हो जाएगा तो इस तरह इस तरह का हमारे पास मॉलिक्यूलर आइन बन जाएगा तो इसमें HPLC जो सॉल्यूशन आता है वेपोरेट करते हैं वेपोरेट करने के बाद दो तरह से आयोनाइज हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव में प्रोटोन ट्रांसफर होता है या प्रोटोन ऐड हो जाता है और इस तरह का मॉलिक्यूलर आइन बन जाता है जिसको हम मै स्पेक्ट्रोमीटर में भेजते हैं टिव आयोनाइजेशन में लास्ट टेक्निक है एटमोसफेरिक प्रेशर फोटो आयोनाइजेशन यहां से भी पता चलता है कि हम डायरेक्ट लाइट यूज करेंगे कौन सी लाइट वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज करेंगे वैक्यूम अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन जब बार्ड करेंगे सैंपल पर तो वो वहां से फोटोन ले लेगा और जब उसको फोटोन मिलेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा और बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन में होता है यहाँ पर भी रेडिकल कैटाइन बन जाएगा और रेडिकल केटाइन जो है ये एक्चुअली मॉलिक्यूलर आइन पीक देगा तो ये भी एक सॉफ्ट टेक्निक है इस तरह से आ, ये सारी हम आयोनाइजेशन टेक्निक्स जो हैं इनको यूज करेंगे आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी हर टेक्निक की ड्राबैक्स क्या हैं उसके एडवांटेज क्या हैं यूज करने के कब फ्रेगमेंट्स ज्यादा आएंगे जब हम हार्श टेक्निक यूज करेंगे हार्ड टेक्निक और सॉफ्ट में फ्रेगमेंट कम और मॉलिकुलर आइन पिक्स ज्यादा बनेगी ये थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन टेक्निक्स की डिटेल पढ़ेंगे तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच